डोंट बाय अ कैमरा अगर आप एक बिगिनर फोटोग्राफर हो या फिर आपको लग रहा है यार आपका फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है और आपको एक कैमरा खरीद लेना चाहिए। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इस वीडियो का जो टॉपिक है जो मैं आगे डिस्कस करूँगा, दैट इज क्या आपको कैमरा खरीदना चाहिए या फिर रेंट करना चाहिए। अब देखो, मैं दोनों स्टेजेस से निकला हूँ। स्टार्टिंग के 2 साल मैंने काफ़ी रेंट कराए, कैमरा, लेंसेज, मैं पेड शूट कर रहा था रेंट पे लेके। फिर एक टाइम आया जब मैंने अपना कैमरा खरीदा और अब मैं अपने कैमरा से ही शूट करता हूँ। तो मैं दोनों साइड के लॉजिक्स आपको दूंगा कि खरीदने के क्या प्लस हैं क्या माइनस हैं और रेंट करने के क्या प्लस पॉइंट्स हैं और क्या माइनस पॉइंट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, और आपका जो भी व्यू रहे ना आप कमेंट करके ज़रूर बताना, बिकॉज आप में से काफ़ी लोग वीडियोज़ देखते हो बट ज़्यादा कमेंट्स नहीं आते। तो मेरा मानना यह है कि जो हमारा कैमरा है ना वो इज़ जस्ट लाइक अ कार या फिर हमारा फ़ोन। की अब देखो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, हमारी मसल मेमोरी में होता है कि हम जब अपनी कार में बैठते हैं या बाइक चलाते हैं तो हमें पता है ये चीज़ होगी, हम इंटेंशनली गियर चेंज नहीं करते हैं, ब्रेक नहीं दबाते, अपने आप हो जाता है। सिमिलरली हम फ़ोन यूज़ करते हैं तो सारे जेस्चर्स हमें पता होते हैं। कैमरा में भी एक एक बटन आपको याद होना चाहिए, एक एक फीचर आपको पता होना चाहिए, और अगर आपके क्लाइंट कुछ भी बोलते हैं कि भाई हमें ये शूट ऐसा चाहिए, वो आपको अच्छे से विद इन फ्यू सेकेंड्स करना अपने कैमरा में आना चाहिए। बट अब ज़रूरी भी नहीं है कि हर किसी के पास कैमरा हो। आप भी शायद ये वीडियो देख रहे हो, शायद आप अभी फ़ोन से फोटोग्राफी करते हो, आप अपने कैमरा लेने का प्लान कर रहे हो। तो सबसे पहले इस वीडियो में बात करते हैं कि आपको क्यों एक कैमरा को रेंट करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, अगर मान लेते हैं कि मैं ये कैमरा जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको मैं खरीदना चाहता हूँ, तो मान लेते हैं अगर फुल फ्रेम की बात करें तो 2 लाख रुपए का कैमरा, बट वही अगर मैं इसको रेंट करने जाऊँगा ना, आपको पता है कितना रेंट पड़ता है एक दिन का, 1000 मैक्सिमम 1200 रुपए। तो मान लेते हैं अगर मेरे पास एक पेड शूट आया और 2 दिन का वो शूट है, तो अगर मैं इसको रेंट करता हूँ, चलो मैक्सिमम ले लेते हैं 2500 रुपये 2 दिन का मुझे पड़ा, लेंस भी ले लेते हैं तो कर करा के 4000 2 दिन में मैं इसको रेंट करके इस कॉम्बिनेशन को यूज़ कर सकता हूँ, और मैं इससे एक पेड असाइनमेंट, एक कमर्शियल शूट, पेड शूट कर सकता हूँ। वही अगर मैं खरीदने चाहता तो कॉम्बिनेशन लेंस और कैमरा का ही कहीं ना कहीं 4 लाख रुपये तक का मुझे पड़ जाता। तो मान लो कि आप 1% दे रहे हो, एवरेज मैं ये लेके चलता हूँ, 1% आप दे रहे हो अगर आप एक 2 दिन के लिए कैमरा और लेंस के कॉम्बिनेशन को उठा रहे हो रेंट पे शूट करने के लिए। अच्छा, तो अगर आप अपना कैमरा यूज़ करते हो चाहे वो फोटोज़ लेने के या वीडियोज़ लेने के लिए, मैं अब एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूँ जो आपके लिए काफ़ी काम आने वाला है। वंडरशेयर यूनिक कन्वर्टर एक कंप्लीट वीडियो कन्वर्जर टूल सेट है, जिसमें कन्वर्जन, एडिटिंग और साथ ही साथ आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो विद अ सिंपल यूजर इंटरफेस, और ये काफ़ी ईजी टू लर्न और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। मान लेते हैं कि आपके क्लाइंट आपको अभी फ़ोन करके बोलते हैं कि भाई जो 10-20 GB का डेटा है ना वो मुझे अभी के अभी चाहिए, तो आप उस डेटा को बहुत इजीली कंप्रेस कर सकते हो वंडरशेयर यूनिक कन्वर्टर यूज करके, और उसको एक बहुत ही कॉम्पैक्ट फाइल बना सकते हो जो इजीली शेयरेबल हो सकती है। अच्छा, अब इस टूल से आप वीडियोस को कन्वर्ट भी कर सकते हो इन मोर देन 1000 फॉर्मेट्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप GoPro में शूट कर रहे हो और आप एडिटिंग में आपको लग रहा है कि आपकी फाइल्स बहुत हैवी हो रही है, वो फॉर्मेट सपोर्ट नहीं कर रहा, बहुत इजीली उसको किसी भी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। इवन 265 से 264 में भी कन्वर्जन बहुत इजी हो जाता है। और अगर आप एक फोटोग्राफर हो तो आप अपनी CR2 या कोई भी रॉ फाइल्स को बैच एडिट करके उसको JPEG में बहुत इजीली और बहुत जल्दी सेव कर सकते हो। एंड अगर आप एक यूट्यूबर हो या आप वीडियोस बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड करते हो, तो इसी टूल के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डर का भी आपको ऑप्शन मिलता है, जो स्क्रीन को रिकॉर्ड करना बहुत ईजी और बहुत फास्ट बना देता है। बट इस सॉफ्टवेयर के जो मेरे 2 फेवरेट हैं, उसमें से पहला है रिमूव नॉइस। तो आप बैकग्राउंड नॉइस, चाहे वो ऑडियो हो या वीडियो हो, उसका बहुत ईजिली हटा सकते हो, आपको ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज भी नहीं चाहिए। लास्ट टूल है स्मार्ट ट्रिमर, जहाँ पे अगर आपकी एक 10 मिनट की वीडियो है जहाँ पे शायद 2 मिनट का ही सिर्फ क्लिप है, बाकी सारा साइलेंट है, तो ये ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट करके ट्रिम कर देगा और आपको जो भी साइलेंट पार्ट्स है बेसिकली उसको हटा देगा। तो अगर आप भी ये सारी यूजफुल टूल्स ट्राई करना चाहते हो, वंडरशेयर यूनिक कन्वर्टर इज अ फ्री टू ट्राई सॉफ्टवेयर, और इसे आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डू चेक इट आउट। तो कैमरा को रेंट पे लेना उसी तरीके से हो गया कि आपको एक घर खरीदना है, जो मान लेते हैं 1 करोड़ रुपए का घर है, वर्सेस आप 20,000 देके उस घर पे रेंट पे रह सकते हो, तो क्या ज़्यादा बेटर लगेगा अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे रेंट पे रहना। अब रेंट पे कैमरा लेने का एक और बेनिफिट पता है क्या होता है, सबसे कॉमन क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में देखोगे, सोनी बेटर है, कैनन बेटर है, नाइकॉन, फूजी, इतने सारे ब्रांड्स हैं, हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो किसी को पूछने से अच्छा क्या है कि आप एक शूट के लिए कैनन का कैमरा रेंट कर लो, एक दिन सोनी, एक दिन नाइकॉन, एक दिन फूजी,
ठीक है, मान लेते हैं आपने 8 से 10 हज़ार रुपये लगा दिया इस प्रोसेस में, जहाँ पे आप अपने शूट भी कर रहे हो और आप रेंट पे लेकर उसको एक्सपेरिमेंट भी कर पा रहे हो। अब इसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, मान लेते हैं आप एक अच्छा अमाउंट 2 से 2.5 लाख रुपये एक कैमरा में लगाना चाह रहे हो, उससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, आपने सारे ब्रांड्स ट्राई कर लिए, हो सकता है मैं आपको बोलता कि भाई कैनन ले लो बिकॉज मैं 10 साल से कैनन यूज़ कर रहा हूँ, बट शायद आपको सोनी ज़्यादा बेटर लगे, उसका कलर ज़्यादा अच्छा लगे, तो वो ज़्यादा बेटर है ना कि रेंट करके पूरा ट्राई करो, अच्छे से हाथ पैर मारो और फिर जो ब्रांड अच्छा लगे रेंट करने के बाद उसको आप अपने पैसे से परचेज कर सकते हो। और ये चीज़ मैंने भी की थी, उस टाइम पे कैनन बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, तो मैं 70-200, 5D Mark III ये सब रेंट करता था, फिर जब मैंने कैमरा अपना पहला लिया तो मैंने 5D Mark III ही लिया बिकॉज मैंने अच्छे से उसको ट्राई कर लिया था, मुझे लगा यही कैमरा है जो मुझे यूज़ करना चाहिए, एंड दैट इज़ व्हेन मैं आगे गया और उसको मैंने परचेज किया। आखिरी बेनिफिट कैमरा रेंट करने का मैं आपको बताता हूँ, अभी लॉकडाउन हुआ था, आप में से मेरी तरह कई लोगों ने साइकिल खरीदी होगी, मैंने तो बहुत शौक से ली थी कि भाई साइकिल चलाऊंगा, एकदम वो ट्रेंड चला था, तो मैंने भी साइकिल खरीदी और एक महीने के बाद क्या हुआ, अभी तक 2 साल से वो साइकिल पड़ी हुई है, वो यूज़ नहीं हुई, क्यों, बिकॉज हमें शौक़ आता है हम ये करेंगे और उसके बाद वो चीज़ हम उतना यूज़ नहीं कर पाते, कभी हमें टाइम नहीं मिल पाता। तो अगर आप बहुत कैजुअल शूटर हो, आपको लग रहा है आप ट्रैवल करते हो, आपको एक कैमरा खरीदना चाहिए, हो सकता है कि आप साल में 2 ट्रिप मार रहे हो, मैक्सिमम 3 ट्रिप्स कर रहे हो, तो आप सोचो अगर आप एक कैमरा को रेंट करके लेके जाते हो, शायद आपको पूरे साल में 10 हज़ार का खर्चा आएगा, वही अगर आप कैमरा लेने जाते हो शायद आप 1-1.5 लाख रुपए लगा दो और फिर आपको लगे कि भाई 1 साल बाद की कैमरा तो यूज़ हो नहीं रहा, इसको बेचना है, तो ना करते करते भी आप 20 से 30 हज़ार लॉस पे वो कैमरा सेल करोगे। तो बेनिफिशियल क्या हुआ, रेंट करना, राइट। तो यही लॉजिक है जो मुझे लगता है कि इन कुछ अप्रोचेस में आपको रेंट करना बेटर रहेगा, बट इस तरीके से तो मुझे भी अभी तक रेंट करना चाहिए था, जितने भी लोग अभी कैमराज लेके बैठे हैं उनको खरीदना नहीं चाहिए, उनको रेंट करना चाहिए। तो मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स की बात करता हूँ जहाँ पे रेंट करने के कैमरा के माइनस पॉइंट्स आने शुरू हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 1, मान लेते हैं मुझे एक महीने में 10 शूट आ रहे हैं, तो अगर मैं ये कॉम्बिनेशन रेंट करने जाऊँगा तो मान लेते हैं ऑन एन एवरेज मुझे 20 हज़ार रुपये महीने का देना पड़ रहा है, वही अगर मैं वो खरीदने जाऊँगा तो कहीं ना कहीं मैं 10% सिर्फ रेंट में ही दे रहा हूँ। तो अगर मैं 1 साल में शूट करूँगा उतने ही अमाउंट में मैं नया कैमरा और लेंस खरीद सकता हूँ जो मैं रेंट दे रहा हूँ, और उसका मुझे कुछ बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, राइट। वो मान लेते जो मैंने साल में 2 लाख रुपए दिया वो चला गया, उसका मेरा कुछ भी एसेट नहीं बना, वही अगर मैं खरीदता तो इसको मैं 5 साल भी यूज़ कर सकता हूँ, इसको रीसेल करके जो अमाउंट है वो वापस मेरे पास भी आ सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये फिगर आउट करना है कि भाई आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ शूट कितना है। अगर आप कैजुअल शूट और आप अर्न नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं रेंटिंग आपको हेल्प कर सकता है, बट अगर आप रेगुलर ड्यूरेशन पे कमर्शियल शूट्स कर रहे हो तो खरीदना कहीं ना कहीं आपके लिए बेटर ऑप्शन बन जाता है। अब आप ये सोचोगे कि भाई बोलना तो बहुत ईजी है, खरीद लो, इतना पैसा भी तो होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, मैंने जैसे मैंने बताया 5D Mark III, मैं तब जॉब कर रहा था, मैं जस्ट कॉलेज से पास आउट हुआ था, मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो एक चीज़ अच्छी क्या हुई है, 0% डाउन पेमेंट EMI पे अब आप कैमरास खरीद सकते हो, मतलब जितना पैसा मैं एक साथ दे रहा हूँ वो मैं साल में डिवाइड करके भी दूंगा तो मुझे सेम अमाउंट ही देना पड़ेगा, तो एक साथ क्यों देना है ना। तो वही लॉजिक आप भी लगा सकते हो, मान लेते हैं आप 1 लाख का कैमरा ले रहे हो तो आप 10-10 हज़ार करके हर महीने दे सकते हो, और अगर आप एक महीने में कमर्शियल शूट कर रहे हो उससे आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो वही पैसा आप EMI भरने में लगा सकते हो। अब कैमरा खरीदने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट मैं आपको बताऊँ क्या है, मैं अब तो कमर्शियल शूट्स बहुत कम कर दिए हैं, जब मैं पहले बहुत पेड शूट्स करता था, क्लाइंट के सामने जब मैं शूट कर रहा हूँ, और ये एक्चुअली मतलब बहुत बुरा लगता है, मैंने कई लोगों के साथ देखा है कि नया नया कैमरा है, अगर मैं रेंट पे भी ले रहा हूँ तो कहीं ना कहीं अगर मुझे क्लाइंट ने बोला कि भाई मुझे ऐसा शॉट चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, आप अगर कैमरा सेटिंग्स में लाइक फिगर आउट करते रहोगे ना, आपको पसीना आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा क्या क्या गलत हो रहा है, फोकस मोड कैसे चेंज करना है, वो कहीं ना कहीं क्लाइंट नोटिस कर लेता है और उसे लगेगा भैया प्रोफेशनल नहीं है, अगला शूट इससे ना करवाएं, इससे बेटर है किसी और को हायर कर लें। तो ये चीज़ मैंने नोटिस करी है पर्सनली कि जब एक कैमरा मैंने खरीद लिया ना उसको मैं दिन भर बैठ के पूरा एनालाइज कर सकता हूँ, पूरा समझ सकता हूँ, और उससे बेनिफिट ये हुआ कि मुझे इन एंड आउट पता है कि ये बटन दबाने से क्या होगा, कहाँ फोकस सेटिंग चेंज होगी, कहाँ क्या कुछ है, तो वो कहीं ना कहीं एक अपना कैमरा लेने में बेनिफिट मिल जाता है। अब आजकल क्या है कि कैमरा फोटोज़ भी लेता है, वीडियोज़ भी लेता है, और मैं स्पेशली एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर मैं वीडियोज़ अब ज़्यादा शूट करने लग गया हूँ, तो अगर आप वीडियो शूट करते हो ज़्यादा या फोटोग्राफी भी कर रहे हो, आप विद टाइम अपने आप को अपडेट करना चाहते हो, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना चाहते हो, तो
एक चीज़, जब आपका कैमरा आपके पास खुद होता है ना, जब आप परचेज़ करते हो तो आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो। रात के 11 बज रहे मेरे दिमाग में आया कि यार ये ट्राई करते हैं, तो कैमरा मेरे बैग में पड़ा, मैं निकालूंगा, मैं शूट करूंगा, एंड मुझे उसके लिए वेट नहीं करना पड़ेगा कि कल मैं जाऊंगा रेंट पे कैमरा उठाऊंगा, लेंस उठाऊंगा, शूट करूंगा और फिर एंड ऑफ द डे मैं उसको वापस करके आऊँगा। तो ये भी होता है कि कई सिटीज़ में शायद, अभी मैं बोलता रहा हूँ रेंट करने का, कहीं शायद आपकी सिटी में वो फैसिलिटी अवेलेबल ही ना हो कि आप रेंट ना कर पाओ। बट अगर है, बहुत सिंपल सा चीज़ है, आसपास आपके स्टूडियोज़ होंगे, जाके पता करो कि क्या वो कैमरा लेंस रेंट पे देते हैं। बिकॉज बहुत स्टूडियोज़ ऐसे होते हैं जो मान लेते हैं साल में 365 में से 200 दिन शूट कर रहे हैं, बाकी 165 दिन कैमरा लेंस उनके पास पड़ा है, तो वो रेंट आउट कर देते हैं। तो दोनों ऑप्शंस हैं, आप कमेंट करके बताना कि आपको क्या लॉजिक लगता है, आपने क्या कभी रेंट किया है, आपने परचेज किया, जो भी चीज़ आप कमेंट्स में डालना चाहते हो डाल देना। मेरा वीडियो बनाने का यही लॉजिक था कि भाई मैं आप लोगों को हेल्प कर सकूं थोड़ा सा माइंड को ओपन अप करने में, अगर आप इस चीज़ में कंफ्यूज हो रहे थे। तो अगर ये वीडियो हेल्प करती है लाइक कर देना, कमेंट छोड़ के ज़रूर जाना, और आगे मैं मिलता हूँ इसी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।